मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा बाईपास पर हुए मुस्कान उर्फ नादिया मर्डर के आरोपी को मुमरा पुलिस ने महज 2 घंटे के अंदर ही थाने से गिरफ्तार कर लिया है। मुस्कान उर्फ नादिया और इसे जोया के नाम से भी बुलाया जाता था। मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर PI अशोक कडलक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया है कि मुस्कान की जो हत्या हुई है वो गर्भवती थी और आरोपी अल्तमश मुनव्वर दलवी के साथ इसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। करीब 3 साल से ये दोनों प्रेम प्रसंग में थे, मगर इस दौरान इन दोनों के बीच में विवाद भी होने लगा था और मुस्कान से पीछा छुड़ाने के लिए आखिरकार अल्तमश मुनव्वर दलवी ने मुमरा बाईपास पर एक खजान की जगह है जहां सुनसान है वहां लेकर गया और चाकू से इसकी मुस्कान की गला काटकर हत्या कर दिया और वहां से फरार हो गया। मगर API कृपाली बोरसे की टीम ने उसे थाने से गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी अल्तमश को कोर्ट में भी पेश किया गया जहां से उसे 17 तारीख तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। कल शाम 5 बजे मुमरा पुलिस स्टेशन को कोई अज्ञात व्यक्ति का फोन आया था। मुमरा बाईपास एक खदान के या एक लेडीज 20-22 बरस की, उसका गला रेत कर उसकी हत्या हुई है। उस सिलसिले में हम स्टाफ सपोनी बोर से, बाकी DB स्टाफ, हमारे PI निकम और PI जाधव साथ में तुरंत घटनास्थल पे गए। वहाँ एक लेडीज़ की लाश मिली। उस सिलसिले में हमने तुरंत इन्वेस्टिगेशन किया और इन्वेस्टिगेशन में हमें मालूम पड़ा कि अल्तमश दलवी करके कौसा के रहने वाला एक आरोपी है, उसने ये गुनाह किया है। उसको 2 घंटे के अंदर मैं सपोनी बोरसे और उनके स्टाफ ने पकड़ के पुलिस स्टेशन लेके आए। 2 घंटे के अंदर ये सीरियस ऑफेंस ओपन हुआ है और अभी उसकी कस्टडी 17 तारीख को है। उसने जो गुनाह करते हुए जो चाकू या सुरी यूज़ किए वो भी उसने निकाल के दिए, वो हमने रिकवर किए। कहाँ से पकड़ा गया है? अभी थाना से। सर, ये दोनों में ताल्लुक कितने दिन से था, ये जान पहचान? अभी वो सब डिटेल कैसे, अभी रात को उसको पकड़ा है, कुछ इन्वेस्टिगेशन जो इम्पोर्टेंट था वो पहले हमने किया है, बाद में अभी जहाँ तक PC है तब तक हम उसका डिटेल।